अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 39 है और आज हमारा टॉपिक है एनएलपी ट्रेनिंग। एक्चुअली मैं पिछले हफ्ते में मेरी लाइफ कोच सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग में कंडक्ट कर रहा था और कल से मेरी एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, जो एनएलपी का बेसिक कोर्स होता है। और इसी वजह से कुछ ये पॉडकास्ट जो है मेरी ये इतनी रेगुलर नहीं हो पा रही है, और इस वीक में भी पूरा मेरा हफ्ता एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में गुजरेगा। सो आई विल डू द बेस्ट आई कैन कि मैं जितनी ज़्यादा पॉडकास्ट आपके साथ शेयर कर सकूं, तो आप एक लर्निंग के प्रोसेस में रहें। लेकिन फॉर एनी रीज़न अगर मैं ना कर पाऊँ, जस्ट प्लीज़ रियलाइज मेरी जो ट्रेनिंग होती है क्लास सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है और शाम को 8 बजे ख़त्म होती है, और मुझे फारिग होते होते कल रात 10 बज गए थे। तो दस इन द सेंस कि मुझे घर पहुँच कर देर आर सर्टन अदर थिंग्स, सो लिहाज अ पॉडकास्ट जो है बीच में, एंड इट्स रियली नाइस। आई एम वेरी ग्लैड कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस करके पूछा है, कुछ लोगों ने मुझे यू नो टेक्स्ट कर मैसेजेस भेजे हैं, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे हैं, एंड यू नो वेटिंग फॉर माई पॉडकास्ट। आई एम रियली ग्लैड, आई एम ऑनर्ड। जजाकल्लाह आप लोगों का, यू नो आपके अच्छे कॉमेंट्स का। एंड मेरे लिए रियली पॉसिबल होता तो मैं आप में से इंडिविजुअल के हर एक के जवाब देता, बट आप यकीन करें इन एडिशन टू माय ईमेल्स, फेसबुक मैसेजेस, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, प्लस मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के जो मैसेजेस होते हैं, मेरे लिए मुमकिन नहीं होता कि मैं हर एक के मैसेजेस का इंडिविजुअली जवाब दे सकूँ। सो कमिंग टू द टॉपिक टुडे, एनएलपी ट्रेनिंग के हवाले से मैं आज कुछ बात आई थॉट के लेट्स शेयर कि एनएलपी ट्रेनिंग क्या होती है और क्या करते हैं हम इसके अंदर। बेसिकली एनएलपी एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर आप ये सीखते हैं कि आप किस तरह से अपनी अपनी जिंदगी में कोई भी तब्दीली लाना चाहते हैं, तो वो तब्दीली किस तरह से आप ला सकते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का। सो न्यूरो से मुराद बुनियादी तौर पर आपका मेरा नर्वस सिस्टम है। लिंग्विस्टिक्स में हम बेसिकली हमारी जो कम्युनिकेशन है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स होते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। प्रोग्रामिंग से मुराद हमारे मुख्तलिफ रवैये जो हम जनरेट करते हैं। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप जाएंगे तो एनएलपी के इंट्रोडक्शन के हवाले से कई वीडियोज़ मिलेंगे आपको। मैंने कई मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की अपलोड किए हुए हैं, कुछ यू नो 3-3 घंटे की भी रिकॉर्डिंग है और कुछ छोटी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि 1 घंटे और 20 मिनट और 15 मिनट की, जिसमें आपको एनएलपी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन हमारी जो फर्स्ट टिकल ट्रेनिंग हुई थी और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा था, उसमें हम एक चीज़ शेयर करते हैं, एक चीज़ हम सीखते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि आपका जो जहन है ये किस तरह से काम करता है, उसको जहन की प्रोग्रामिंग किस तरह से हुई हुई है, अभी करंटली जो भी कुछ आपके साथ जिंदगी में हो रहा है उसमें किस तरह से आपकी प्रोग्रामिंग हुई है। और हम जब क्लास स्टार्ट होती है तो हम इसमें एक चीज जिस पे हम स्टार्ट करते हैं वो ये कि आप चीजों को इंटरप्रेट किस अंदाज पे कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीजें लोगों को देखते हैं, उनके हुलियों पर हम उनको इंटरप्रेट करते हैं। मैं जब ट्रेनिंग्स करवा रहा होता हूँ अक्सर मैं अपनी क्लास के अंदर से जीन्स टी शर्ट पहन के बैठा होता हूँ, समटाइम्स मैं स्लीपर्स पहन के क्लास के अंदर होता हूँ। और यू नो जनरली हमारे यहाँ अगर आप देखिए जो ट्रेनिंग का लोगों के जहनों में कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेनर साहब जो है वो यू नो कोट पेंट टाई पहनकर ट्रेनिंग करा रहे होते हैं हंसते मुस्कुराते। मैं अक्सर कुर्ता पजामा पहन के ट्रेनिंग करा रहा होता हूँ और हंसते मुस्कुराते बट ऑब्जेक्टिव जो होता है दैट इज बेसिकली टू हेल्प यू चेंज व्हाट यू आर डूइंग इनसाइड योर हेड। ट्रेनिंग जो एनएलपी की ट्रेनिंग होती है इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव is to work with your unconscious mind. आप बहुत सारी चीजें जो कुछ अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं आप लाशौरी तौर पर कर रहे होते हैं। इंसान में जितनी तब्दीली आती है, जितनी चेंज आती है, जितनी लर्निंग होती है वो लाशौरी तौर पर होती है। सो और जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई भी है, जो आपकी प्रीवियस प्रोग्रामिंग हुई है, जो आपकी लिमिटिंग बिलीव्स आपके अंदर है या किसी किस्म के आपकी वैल्यूज में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या आपकी कोई गलत आइडेंटिटीज आपने अपने ऊपर लगाई हुई है, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़, कोई भी तब्दीली वो आपके लाशऊर में आती है। सो जब मैं ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ तो मैं आपके लाशऊर के साथ काम कर रहा होता हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लाशऊर के लिए हो रही होती हैं। सो ट्रेनिंग के अंदर आप जब मेरे साथ क्लास में होंगे यू विल फाइंड के मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टेलिंग अ स्टोरी,
और आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपका जो शऊर है, वो उन स्टोरीज के अंदर एंगेज होता है. मगर विद इन दो स्टोरीज बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी एम्बेडेड मैसेजेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी एम्बेडेड स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि आपके अनकॉन्शियस लेवल पे इंस्टॉल की जा रही होती हैं, जो आपके जहन को सिखाई जा रही होती हैं. सो जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो आपको यू नो एक हंसी मजाक का माहौल आपको लग रहा होगा, आप बात बात पे हंस रहे हैं, हम जोक्स कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं हम, एंड देन बहुत सारी हम एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं. उन एक्सरसाइजेस के जरिए आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं. एनएलपी का एक कोर बिलीफ है और वो ये कि अगर कोई एक शख्स एक काम कर सकता है तो हम ये जान सकते हैं कि वो ये काम कैसे कर रहा है, और जो सीखना चाहता है हम उसको सिखा सकते हैं. मिसाल के तौर पर एक शख्स है, बड़ा जबरदस्त पब्लिक स्पीकर है, और यू नो मैं फर्स्ट कीजिए नया नया पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकूँ. तो अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन तो ये है कि मैं उन अच्छे स्पीकर से हसद करता रहा हूँ, ओके, अ वेरी बैड ऑप्शन एक्चुअली. दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं उम्मीद रखूँ कि उस शख्स की तरह जब मेरे पास भी उतना एक्सपीरियंस होगा जितना उसके पास है तो मैं भी उसका जितना अच्छा हो सकूँगा, विच मे और मे नॉट हैपन. तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं जानूं कि वो आज क्या कर रहा है और जो कुछ वो कर रहा है उसके पीछे उसके जहन में लाशौरी तौर पे क्या हो रहा है. वो अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहा है, अपने माइंड के साथ क्या कर रहा है, किन बिलीव्स के तहत ऑपरेट कर रहा है, उसके क्या इमोशंस हैं इसके बैकग्राउंड में, उसकी किस उसकी किन वैल्यूज के थ्रू वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, वो जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके पीछे उसके जहन में लाशौरी तौर पर क्या हो रहा है. मैं उसको जानकर और उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करूं और जो सीखना चाहता है, जो फॉर एग्जांपल अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, मैं उसको सिखा सकूं. बाय द वे मेरी अपनी जिंदगी में एक दौर ऐसा था कि मैं आईबी का स्टूडेंट था एंड आई वाज 24 इयर्स ओल्ड और मुझे अपनी क्लास में एक 5 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी थी जो कि कोर्स के अंदर मैंडेटरी होती थी. 5 नंबर उसके होते थे जो हमारे फाइनल कोर्स के अंदर यू नो रिजल्ट में काउंट होते थे, और वो 5 मिनट की प्रेजेंटेशन देना मेरे लिए एक अजाब हो जाता था क्योंकि आई हैड सच अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. लोगों के सामने खड़े होकर मेरे यू नो पसीने छूट जाते थे, मेरा हलक खुश्क हो जाता था, मेरे पेट में मुसलसल गुड़गुड़ होती थी, एंड आई वाज लाइक आई कुड नॉट स्पीक एंड आई वाज 24 इयर्स ओल्ड. नाउ पिछले 21 साल से मैंने 20 साल पब्लिक स्पीकिंग टीच की है, मैंने 20 साल लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आने वाले लोग ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई जगह पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज किए थे एंड दे फाउंड माय पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज वर द बेस्ट इन पाकिस्तान. यू नो दे गॉट मैक्सिमम आउट. इट्स लाइक क्लास शुरू होती तो वो लोग जो सामने स्टेज पे खड़े होकर 2 मिनट की इंट्रोडक्शन कराते हुए उनके हाथ पैर कांप रहे होते थे, वही लोग सिर्फ दो दिन की ट्रेनिंग के बाद बाहर मेन रोड पर खड़े होकर चौराहे पर खड़े होकर लोगों के सामने आते जाते स्ट्रेंजर्स के सामने आराम से कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे. आप में से बहुत से हो सकते हैं मेरे उस कोर्स के स्टूडेंट्स भी हो जो ये सुन रहे हो, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ सो एनएलपी का ये जो बिलीफ है कि अगर एक शख्स एक काम कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि कैसे कर रहा है. मेरे जो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स था उसमें एक्चुअली मैं जो दुनिया के बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स हैं उनकी जो मॉडलिंग की गई है, उन लोगों को जो स्टडी किया गया है, उनके जो तरीके हैं, वो चीजें मैंने अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स को सिखाई एंड दे इम्प्रूव्ड. दे डिड नॉट हैव टू वेट फॉर इयर्स. नाउ इसी तरह से अच्छा इस चीज को मैं समझाने के लिए एक और आपको मिसाल देता हूँ कि फर्स्ट कीजिए हम देखते हैं कि टेलीविजन पे एक कुक आता है और वो कुक आकर अपनी कोई रेसिपी बताता है और घर पे बैठी हुई खवातीन जो है उस रेसिपी को नोट करती हैं और उसने रेसिपी को नोट करके मजेदार खाने बना बना के हम लोगों को खिलाती हैं एंड हम उस खाने को एंजॉय करते हैं. लेकिन वो जो कुक आया था उस कुक ने जो रेसिपी टीवी पे आकर बताई उसको बनाने से पहले हो सकता है उस कुक ने कई मुख्तलिफ चीजें ट्राई की हो सकता है उसने कई मुख्तलिफ रेसिपीज को ट्राई की हो अंटिल ही केम अप विद द फाइनल रेसिपी. लेकिन वो जो खातून घर पे बैठी हैं उनको उस डिश को बनाने के लिए वो गलतियां जो उस कुक ने की थी या जो तमाम रेसिपीज उसने ट्राई की थी वो करने की जरूरत नहीं है. ऑल शी नीड्स इज दैट फाइनल रेसिपी और उस फाइनल रेसिपी को इस्तेमाल करते हुए शी कैन मेक दैट डिश. नाउ हो सकता है वो पहली बार में इतनी अच्छी ना बना सके, दूसरी बार में ना बना सके, बट आफ्टर कपल ऑफ ट्रायल्स शी विल बी एबल टू मेक दैट डिश. नाउ यहाँ एनएलपी में वी स्टडी सक्सेस रेसिपीज. वी स्टडी के कोई शख्स अगर अपनी जिंदगी में कामयाब है
तो उसने वो कामयाबी कैसे हासिल करी। अगर कोई शख्स अच्छा कम्युनिकेटर है और मैं अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। अगर कोई शख्स अच्छा निगोशिएटर है और मैं अच्छा निगोशिएटर बनना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। अगर एक शख्स अपने रिलेशनशिप्स अच्छे मेंटेन करता है और मैं अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। और ये जो मॉडलिंग कहलाती है ये चीज़ NLP में, और मॉडलिंग हम बेसिकली NLP के जो एडवांस कोर्स विच इज NLP मास्टर प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग उसमें करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑन एस्टिमेटेड तकरीबन अभी तक रफली अराउंड 33,000 आवर्स NLP टीच की है क्लासेस के अंदर, वन टू वन सेशंस में NLP हिप्नोसिस यू नो सिल्वर अल्ट्रामाइन में अपने अपनी अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस काउंट करें, दैट्स 33,000 आवर्स। सो एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जो मैंने टीच किया है, नॉट अबाउट द टाइम जो मैंने खुद अपनी लर्निंग में और अपनी प्रैक्टिस के अंदर इन्वेस्ट किया है। सो अब जो चीज़ें मैं टीच कर रहा होता हूँ एडवांस कोर्स जो NLP का होता है, जो NLP मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, एंड बाय द वे मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग ना की हो, क्योंकि मैंने अपने कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसके जो पहले दो दिन होते हैं उसमें हम बेसिक मटीरियल को रिव्यू करते हैं, और उसके बाद फिर बाकी 10-8 दिन जो होते हैं उसके अंदर हम एडवांस मटीरियल के ऊपर जाते हैं। और ये कोर्स मैं साल में एक बार कराता हूँ। अब मैंने अपने कोर्सेज को खासा कट डाउन करना शुरू कर दिया है पिछले कुछ सालों से। मैं जैसे सिल्वर अल्ट्रामाइन की ट्रेनिंग नहीं करवा रहा हूँ, मैंने दूसरे ट्रेनर्स ट्रेन कर दिए हैं, वो लोग करते हैं, आई डोंट डू इट मायसेल्फ। इसी तरह हिप्नोसिस का कोर्स मैंने पिछले 3 साल में शायद एक बार कराया है, वो भी लाहौर में, और कराची में काफ़ी अरसे से नहीं कराया, मगर हिप्नोसिस मेरी NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग का पार्ट होता है, उसके अंदर लोग सीखते हैं हमेशा। और NLP मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग मैंने साल में पहले मैं 2 से 3 बार करवाता था, अब मैं पिछले 2 साल से साल में 1 मरतबा करवाता हूँ। अब नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह मेरा 20 जुलाई से है। सो मैं आपसे जो बात कर रहा था कि मॉडलिंग की, आप जब किसी भी चीज़ में अपने किसी भी एरिया में मॉडल करते हैं किसी शख्स को, तो आप अपनी जो ग्रोथ है आपकी जो लर्निंग है उसको स्पीड अप कर देते हैं। नंबर वन, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, देन इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी जो ट्रायल एंड एरर के अंदर जाता है। एंड वंस यू हैव दैट स्किल, वो स्किल आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि किसी भी दूसरे शख्स की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये चीजें सीखने में, इसके लिए इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल, इट टेक्स अ लिटिल प्रैक्टिस, लेकिन जिस वक्त आपको ये चीज आ जाती है और आप इस चीज को जान लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी ग्रोथ, आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है और आप जिंदगी की बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा क्विकली मास्टर कर सकते हैं। सो I hope it gives you some idea. और वैसे मेरी जो practitioner training होती है, practitioner training के अंदर हम वो model discuss करते हैं और वो model सीखते हैं जो NLP के founders ने, NLP के जो early days में जिन लोगों ने इन पर research की, जिसमें mainly Dr. Richard Mander जो NLP के co-founder है, मेरी trainer, और उसके बाद John Grinder और दूसरे कई लोगों ने जो उसमें मुख्तलिफ contributions की, उन लोगों की जो created models हैं हम वो चीज़ें सीखते हैं। master practitioner level पे आप वो चीजें सीखते हैं कि मॉडल्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, किसी को मॉडल कैसे किया जाता है। एंड आई होप यहाँ तक कि कुछ बातें आपको समझ में आई। अभी इस वक्त यहाँ पे मेरी क्लास में ब्रेक है, तो आई थॉट कि आपके लिए क्विकली पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर दूँ। इंशाल्लाह ताला एज ए सेड के जितनी ज्यादा हो सका मैं अगले इन 7 दिनों के अंदर आई रिकॉर्ड एज मेनी एज आई कैन और आई अपलोड देम एंड do share them with other people, let other people know. हमारे यहाँ इल्म का बहुत फुकदान है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हम बदकिस्मती से इस वक्त वो कौम हो गए जो किताब वजन से खरीदती है। हमारा हाल इस वक्त ही हो गया है कि अगर हमें यू नो क्रिकेट के मैच का टिकट ब्लैक में 25,000 का मिलता है तो हमें सस्ता लगने लगता है, और अगर 500 रुपये की किताब होती है तो हमें महंगी लगती है। हम बदकिस्मती से वो लोग बन गए हैं जो एंटरटेनमेंट तो पैसे देकर हासिल करना चाहते हैं मगर तालीम इल्म हम फ्री में हासिल करना चाहते हैं, और इसके नतायज हमारे सामने हैं, और जो नतायज हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है, कहने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। यू नो मैं अक्सर एक चीज़ लोगों से सवाल करता हूँ कि आपने क्यों नहीं किया, तो लोग कहते हैं जी टाइम नहीं था, टाइम, और मैं अभी अपनी क्लास में ये चीज़ बता रहा था, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम मैनेज किया जाता है। टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं ये भी एक आर्ट है। तो बहरहाल इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सोचिएगा आपने पिछले 3 साल में, अगर मैं आपसे पूछूं पिछले 3 साल में आपने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कितनी किताबें पढ़ी हैं,
अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितनी आपने किताबें पढ़ी हैं, कितनी लर्निंग हासिल की, कितनी आपने ट्रेनिंग की है। और किताबें जो अगर आपने पढ़ी हैं, क्या आपने खुद से खरीद कर पढ़ी हैं, और अगर आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, आपने किताबें क्या मुकम्मल पढ़ी हैं या सिर्फ थोड़ी सी पढ़ के छोड़ दें। और आपने अगर किताबें पढ़ी तो उसमें से कितनी चीजों को आपने ईमानदारी से पूरी तरह अप्लाई किया है। बिकॉज हम किसी भी चीज का बेनिफिट उस वक्त हासिल करते हैं जब हम उसको अप्लाई करते हैं। इसीलिए एनएलपी की जो ट्रेनिंग्स हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, यानी प्रैक्टिशनर वो लोग जो एनएलपी को प्रैक्टिस करते हैं। सो एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, वो लोग जो एनएलपी को मास्टरफुली प्रैक्टिस करते हैं। सो आपने किस जो कुछ भी आपने उस पर इन्वेस्ट किया और अगर सीखा तो कितना आपने उसको अप्लाई किया है, और अगर आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, किस चीज ने आपको रोका। अगर आप समझते हैं टाइम नहीं था तो आपने पिछले एक साल में कितनी मूवीज देखी हैं, टीवी के कितने ड्रामे देखे हैं, कितनी ऐसी पॉलिटिकल बहस है जिसके अंदर आपने हिस्सा लिया है। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि लोग शिकायत करते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो सियासियत के ऊपर बहस करने में बड़ा टाइम निकल आता है, वो फिल्में डिस्कस करने में बड़ा टाइम निकल आता है, परेशान होने में बड़ा टाइम निकल आता है। परेशान होने के लिए बहुत टाइम है लेकिन हमारे पास सीखने के लिए टाइम नहीं है, और नतीजे हमारे सामने हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। सो मुझे इजाजत दीजिए, मेरी ब्रेक का भी टाइम खत्म हो रहा है और आई थिंक आज की पॉडकास्ट थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो बहुत जल्द नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे बात होगी। दिस इज कामरान सुल्तान, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।